क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोची कि मेरे और मेरे परिवार पे क्या बीती होगी, मैं और मेरा परिवार किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा, जिन्होंने बिना सच को जाने, बिना असलियत को जाने मेरे को समाज के सामने दोषी करार कर दिया, दोषी साबित कर दिया, और उस लड़की को साबित कर दिया जो दूर दूर तक उस लड़की का इस पूरे प्रकरण से, उन लोगों से, किसी से भी कोई वास्ता नहीं था। क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, जो मैंने मेडल जीते आज तक, जो मैंने अवार्ड्स जीते, उनको भी लोग गालियां दे रहे हैं। मैंने वो अवार्ड्स, मेरे परिवार ने वो मेडल बहुत मेहनत से, बहुत लगन से हासिल किए हैं। एक मेरा सपना था कि मैं देश को गौरवान्वित महसूस करवा सकूं। मैं अंशु मलिक आप सबसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे नाम से एक फेक वीडियो वायरल किया जा रहा था। मैं आप सबको बता दूं, मैं उस वीडियो में नहीं हूं। मेरे को सरासर बदनाम करने की कोशिश की गई है, एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। उस वीडियो में जो लड़का है वो रोध का हरियाणा का है और जो लड़की है वो हिमाचल प्रदेश की है। दोनों आज भी रिलेशनशिप में हैं और उन दोनों ने अपने बयान पुलिस को दे दिए हैं और पुलिस ने भी उनके बयान सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। जिस लड़के ने उन लोगों की वीडियो के साथ मेरा नाम जोड़ के वीडियो को वायरल किया था, उसको भी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने सारे जुर्म पुलिस के सामने कबूल भी कर लिए हैं और पुलिस ने भी उसके सारे बयान सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मैंने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत दे दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने इसमें 24 घंटे के अंदर इस बात को अपने संज्ञान में लिया और इस पे तुरंत एक्शन किया और सबको पकड़ भी लिया गया है। मैं आप सबको बस एक बात और कहना चाहती हूँ, लोग मेरे को, मेरे परिवार को उस वीडियो के द्वारा, जो मेरी वीडियो नहीं है, जिन लोगों की वीडियो है उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, जिसका इस वीडियो से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है, उस वीडियो को लेकर लोग मेरे को बहुत गंदे और घटिया कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत घटिया मैसेज कर रहे हैं। क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोची कि मेरे और मेरे परिवार पे क्या बीती होगी, मैं और मेरा परिवार किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा, जिन्होंने बिना सच को जाने, बिना असलियत को जाने मेरे को समाज के सामने दोषी करार कर दिया, दोषी साबित कर दिया, और उस लड़की को साबित कर दिया जो दूर दूर तक उस लड़की का इस पूरे प्रकरण से, उन लोगों से, किसी से भी कोई वास्ता नहीं था। क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, जो मैंने मेडल जीते आज तक, जो मैंने अवार्ड्स जीते, उनको भी लोग गालियां दे रहे हैं। मैंने वो अवार्ड्स, मेरे परिवार ने वो मेडल बहुत मेहनत से, बहुत लगन से हासिल किए हैं। एक मेरा सपना था कि मैं देश को गौरवान्वित महसूस करवा सकूं, कि मैं अगर अपना थोड़ा सा भी योगदान देश को दे सकूं तो मैं उसमें दे पाऊं। मेरे माँ बाप ने मेरे को यही सिखाया है कि बेटा देश के लिए कुछ करके मर, ऐसे तो दुनिया मरती है, कुछ अच्छा करेगी तो लोग याद रखेंगे। और मेरे बाप, माँ बाप ने मेरे को इस तरीके से पाला है, उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए, और लोग उनकी बेटी को, जिनको मेरे माँ बाप ने मेरे पे पूरा विश्वास था और आज भी मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे करीबी लोग थे ना वो मेरे साथ आज भी खड़े हैं। उनको पता था कि अंशु को बदनामी करने की साजिश की जा रही है,
फिर भी लोग इतने गंदे इतने भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने गंदे मैसेजेस कर रहे हैं बिना सच्चाई को जाने। मैं आज भी यह बात कहती हूं कि मैं साजिश की शिकार हुई हूं, किसी ने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और कल को ये किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है जिन्होंने ये कमेंट करे हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया, जिन्होंने मेरे को समाज में दोषी करार दे दिया। कल को ये उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले सच्चाई को जानने की कोशिश करें और किसी भी नतीजे पे ना पहुंचे, किसी को समाज में दोषी करार मत दें।